भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज जो है हम लोग ये जो आपका कार्यशाला का आज का सत्र है अभी दो ढाई घंटे का, तो इसमें जो है आप लोगों को साधना सिखाना है और साधना से संबंधित बहुत साधना से संबंधित जो कुछ बातें हैं मुख्य है, तो उसको हम कहेंगे। तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा जो भी प्रवचन किए गए, तथागत सम्यक संबुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घरवार छोड़ दिया, मतलब वैराग्यता को प्राप्त किए। उसके बाद 6 साल तक उन्होंने तपस्या किया, लगभग 35 वर्ष तक। तो 35 वर्ष के बाद जब उनको बोधि प्राप्त हुआ तो 49 दिन तो वो वहाँ बोध गया में ही रहे, अलग अलग जगह 7 भिन्न भिन्न जगह वो साधना करते हुए रहे। तो उसके बाद जो सबसे पहले धर्म प्रवचन के लिए उन्होंने जिसको चुना, तो उनके जो पंचवर्गीय भिक्षु थे उनको चुना, और वो हम लोग आज यहाँ पर हैं जो पवित्र स्थान है सारनाथ जो है। हम लोग बौद्धों के लिए खासकर, वैसे तो सब चाहे वो जैन हो चाहे आपके सनातनी हो, तो बहुत से लोगों के लिए सब एक जैसे ही मानते हैं, लेकिन बौद्धों के लिए सारनाथ जो है बहुत ही पवित्र स्थान है। वो इसलिए क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध ने जिस धर्म का प्रवचन सब सर्वप्रथम किया था और जिस क्षेत्र को चुना था वो सारनाथी था ना। तो उन्होंने संपूर्ण जो 35 वर्ष के बाद 80 वर्ष की उम्र तक, तो इसका मतलब लगभग 45 साल, तो 45 साल उन्होंने धर्म प्रवचन किया। और कई बार जो हम लोग बौद्ध धर्म को अच्छी तरह से नहीं समझते तो वो सोचते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध का धर्म है वो, जैसे आज भी है ना कई लोग जो है धर्म को अंधविश्वास मानते हैं, यही मानते हैं ना हम लोग, अधिकतर लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब अंधविश्वास, जो बहुत कुछ परीक्षण नहीं करते, जिनका अन्वेषण नहीं होता, केवल गुरु ने कहा उसके पीछे जाने वाले को हम लोग जो है धार्मिक लोगों के उसमें जो है रखते हैं। लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में मुझे नहीं कहना है, लेकिन जो तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा प्रवर्तित या कथित जो धर्म है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म यहाँ पर बहुत ही विशाल, गंभीर, और जो अध्ययन अध्यापन और साधना के द्वारा, या उसको आज कहें तो वैज्ञानिक तरीके से उसको खोजबीन करके जो बातें सामने आती है उसी को धर्म कहते हैं ना। धर्म ऐसा नहीं कि आप जो है केवल कोई आसन पर बैठा है, जैसे मैं आसन पर बैठा हूँ, अब मैं जो भी कहूँ आप लोगों के लिए सब ठीक है, ऐसा नहीं। तो हम लोग जो वास्तव में जिस धर्म का प्रवचन करते हैं तथागत सम्यक द्वारा कथित, तो वो जो है संपूर्ण रूप से प्रवर्धित, उसको शोधित किया गया, उसको अन्वेषित किया गया, खोजबीन करके ऐसे धर्म का प्रवचन करते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने भी जो 6 वर्ष तक उन्होंने वो किया, वो 6 वर्ष ही नहीं है, अगर आप उसके उनके गंभीर उसको जाएंगे तो उनके फिर प्राचीन जो उनके पूर्वजनों में जिस प्रकार के उन्होंने जो है पुण्य का अर्जन किया था, पुण्य अर्जित किए थे, तो वो कल्पों कल्पों या ऐसे कहे कि जन्मों जन्मों का जो उनका एक किस्म का जो पुण्यों का जो संग्रह है उसके बल पर उन्होंने ये सद्धर्म का जो है उपदेश किया था। तो सद्धर्म के उपदेश को जो है हम लोग सामान्यतः, जैसा हम लोग जानते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा जितने भी धर्म है उसको जो है त्रिशिक्षा के अंतर्गत हम लोग जो है उसको एकत्रित करते हैं। 3 शिक्षा, शील शिक्षा, समाधि शिक्षा और प्रज्ञा शिक्षा, उसी को हम लोग त्रिपिटक भी कहते हैं। त्रिपिटक का मूल विषय ये 3 शिक्षाएं ही, और भगवान बुद्ध ने जितने भी धर्म कहे चाहे वो हजारों पृष्ठों में हो, जैसे आपका त्रिपिटक है पाली में भी काफ़ी हैं और फिर महायान में तो बहुत ज़्यादा हैं, आप ऊपर जाएंगे जो हम लोगों के तिब्बती सेक्शन है उसमें जो है कम से कम बुद्ध का वचन 100 ग्रंथों से ऊपर है, इतना मोटा मोटा पोथी, और जो उनके उस पर जो व्याख्याएं हैं वो 200 से भी ज़्यादा हैं, अर्थात हजारों की संख्या में उसके जो है वो हैं। तो वो सब जो है तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा कथित है, और उन सब को हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे तो वो इस 3 में आएगा। कई बातें शील के अंतर्गत आएगी, कई बातें जो है समाधि के अंतर्गत आएगी, और कई बातें जो है फिर आपके प्रज्ञा के अंतर्गत आएगी।
तो इसको हम लोगों को, अगर आपको बौद्ध धर्म को सही ढंग से समझना है तो निश्चित रूप से आपको इन तीन बातों को हम लोग किस ढंग से एक ही आसन पर, मतलब कि हम लोग बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि शील का पालन पहले होगा, फिर समाधि का अभ्यास होगा, फिर आपका प्रज्ञा का अभ्यास होगा, ऐसा नहीं। उसको एक ही समय में एक ही आसन पर हम लोगों को ध्यान भावना करने का जो एक फार्मूला है, एक जो उसका जो विधि है, उसको आपको समझना चाहिए। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो फिर आप जो है साधना नहीं कर सकते, या फिर बुद्ध के जो उपदेश हैं उसको सही ढंग से नहीं समझ सकते। तो इसीलिए बुद्ध ने जो अपना संपूर्ण उपदेश है उसको बहुत ही संक्षेप में जो कहा है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है पाली में, सब पापस करणं कुशल सुकुसंपदा सचिद परयोध पनंग एतंग बुद्धान शासन तिवती में हम लोग दिखवा ची यंग मिजा जिंग केवा फुंजुम सोब्रचे रंगी सिम नियंग दीन संगे तेम्पाही, ये कहते हैं ना। तो इन तीन में जो है सब पापों को नहीं करना, हम कोई भी पाप उसको नहीं करेंगे, और कुशल से उपसंपदा जो कुशल हैं उसको करेंगे, और सचित परयोध बढ़ंग जो अपना चित है उसको हम लोग जो है अपने वश में करेंगे। तो ये तीन बातों में भगवान के जितने भी धर्म हैं सब चले आते हैं। तो इसको जो है हम लोग पहले इसको शील के साथ भी जोड़ सकते हैं, सब पापस आकरणं को हम लोग शील के साथ जोड़कर जान सकते हैं, मतलब कि किसी पाप को नहीं करना। अधिकतर में क्या होता है, पाप धर्म का विवेचन दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें उसका विवेचन या उसका विभाजन होता है तो वो बहुत कठिन है। कई जगह जैसे कई धर्म में हम लोग जानते हैं सामान्यतः कहते हैं कि हत्या करना पाप है, लेकिन फिर उसको कहीं जोड़ के फिर कहते हैं कि ऐसा ऐसा करने से हत्या भी जो धर्म हो जाता है, ऐसे कही है ना, यज्ञ के लिए मारे जाते हैं पशु बलि तो कहते हैं कि वो ठीक है, और ऐसे आपके आज जो है जैसे आतंकवादी बने हैं कई लोग जिहाद के नाम पर, तो वो जो है उसको जो हम लोग पूरे विश्व में जो है आतंक मचा के रखे हैं तो उसको वो लोग अपने जस्टिफाई करते हैं क्योंकि हम जो है धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो ये जो है बहुत मुश्किल है कि कौन सा पाप है कौन सा और पाप नहीं है, अधर्म है, धर्म और अधर्म क्या है। तो लेकिन बौद्धों में बहुत स्पष्ट कर दिया है, बौद्धों में जैसे बुद्ध ने कहा कि आप किसी भी प्राणी हत्या को, तो कोई भी प्राणी हत्या को जो है बुद्ध ने वो नहीं कहा, जस्टिफाई नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप छोटे से छोटे कीड़े को भी मारते हैं तो ये जस्टिफाई नहीं किया कि इससे जो आपको धर्म होगा, कभी भी नहीं। आप किसी प्राणी की हत्या करना ही अपने में जो है बहुत बड़ा पाप है, इसीलिए जो इसीलिए वो क्या कहते हैं आपका ये जो हम लोगों का संवर है, तथागत सम्यक संबुद्ध का जो संवर है, हम लोग दीक्षा देते हैं तो दीक्षा देते समय सबसे पहले जो है हम लोग प्राणातिपाता वीरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी बोलते हैं ना, तो हम प्राणी हत्या का जो है हम त्याग करते हैं। तो प्राणी हत्या ऐसा नहीं कहा कि प्राणी हत्या इसका तो हम प्राणी हत्या नहीं करेंगे इसको करेंगे, ऐसा नहीं कहा ना। जितने भी प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हो सकते हैं, छोटे हैं बड़े हैं दूर हैं नज़दीक हैं, कैसे भी प्राणी हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका जो है बहुत ही सूक्ष्म बिल्कुल जर्म्स टाइप का भी है, या फिर बहुत दूर में है, या फिर सुर है असुर है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि जो है अगर बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है तो उसके भी हत्या को जो है हम लोग जायज नहीं ठहरा सकते, है ना। तो ये जो है बौद्धों का सीधी सीधी बात है, और इसका मतलब है कि आप कोई भी दूसरे को दुख देने वाले कार्य करते हैं, अगर उसको जो है आप दुख देने वाले कार्य करने के बाद जो है उसको उससे आपका और किसी दूसरे का भला नहीं होता तो वो पाप है। यहाँ पर पाप का सीधा सीधा अर्थ है कि जिस क्रिया को करने से आप भी दुखी होते हैं दूसरे को भी दुखी बनाते हैं। तो ये कोई भी कार्य हो, वो प्राणी हत्या तो हमने एक बहुत मोटा मोटा है तो वो बता दिया, लेकिन कोई भी कार्य है तो ये बौद्धों में बहुत ही स्पष्ट है। तो इसलिए हम लोग जो हम कहते हैं कि सब पापस आकरणं, तो कोई भी पाप नहीं करनी चाहिए, तो वो जो है बौद्धों में बहुत स्पष्ट होने से हम लोग उसको जो है आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग शील के अंतर्गत रख सकते हैं। और जो घेवा फुनसुम चक्रचय जो कहा गया, या जिसको कहा गया कुशल उपसंपदा, कुशल का उपसंपदा करना चाहिए या संपादन करना चाहिए, तो कुशल क्या, जितने भी अच्छे कार्य हैं, अच्छे कार्य जो है कुशल हैं,
तो जिससे हमारे मन को प्रसन्नता होती है, हम लोग कहते हैं ना पुण्य, तो पुण्य क्या है, जो हमारे मन को पुनीत करता है वही पुण्य है ना। तो इसलिए हम लोगों को जो है ये क्या कहते हैं कुशल का उपसंपादन करना चाहिए, कुशल का संपादन करना चाहिए। तो ये जो है कुशल का उपसंपादन समाधि के बिना नहीं होता, तो इसको आप समाधि के साथ जोड़ सकते हैं। जो दूसरा है वो समाधि, जैसे बुद्ध के समस्त शिक्षाएं शील समाधि और प्रज्ञा है ना, तो आपको कुशल का संपादन करना समाधि है। वैसे तो समाधि हम लोग सामान्यतः कहते हैं कि कुशल चित्त एकाग्रता, कुशल कुशल कोई भी कुशल है उसमें हमारा चित्त लगा हुआ है, तो उसके प्रति एकाग्रता को कुशल चित्त एकाग्रता कहते हैं। तो सामान्यतः जो है कुशल का संपादन ही आपका जो है समाधि है ना। समाधि केवल आंख बंद करके बैठने को समाधि नहीं कहेंगे, अभी हम लोग समाधि के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन समाधि जो है आपका वास्तव में जो कुशल जितने भी अच्छे कार्य करते हैं वो सब कुशल के अंतर्गत आएंगे। और सचिद परयोदपन और संपूर्ण जो कार्य है उसका मूल जो है हमारा चित्त है ना। जब तक आपका चित्त सही नहीं है, मतलब कि आपका चित्त जो है आप अपने चित्त को अपने वशीभूत नहीं किए हैं, तो आप जो है कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। बाह्य संपत्ति, बाह्य जो आपके जितने भी धन संपत्ति आदि हैं, जितने भी कारण हैं, वो आपको सुखी बनाने का कारण नहीं हो सकता जब तक आपका मन सही नहीं है, है ना। मान लो कितना भी सुंदर पानी हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी विष मिला दिया गया हो तो वो पीने लायक नहीं होता ना। ऐसे ही हमारा चित्त भी, आपके पास भी मान लो कई करोड़ या कई अरबों की संपत्ति है, लेकिन आपका मन सुखी नहीं है, तो उस संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है ना। मान लो कोई व्यक्ति दूसरे क्षण मरने वाला है, या वो जो है ऐसे रोग से पीड़ित है कि वो जो है मरेगा ही, तो उसके लिए उसके जो धन संपत्ति है वो उसके सुख का कारण नहीं बन सकता ना। तो ऐसा ही हम लोग जो है चित्त प्रमुख है भारतीय परंपरा में, खास जितने भी हम लोग सामान्यतः हम यहाँ बौद्ध परंपरा के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जो प्राचीन परंपरा है उसमें जो है हम लोग चित्त को प्रमुख स्थान दिया गया है। चित्त के बिना जो है, चित्त अगर आप चित्त के बारे में नहीं समझते हैं और चित्त को सही ढंग से उसकी जो अपने काबू में किस प्रकार करना चाहिए उसको नहीं जानते हैं, तो आप जो है बहुत सुखी नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आज अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग जो साधना करेंगे वो चित्त को अपने बल वश में करने के लिए, चित्त को वश में करने के लिए फिर ये तीनों बातें एक साथ जुड़ती हैं। आपको शील का भी पालन करना पड़ेगा, आपको समाधि का भी अभ्यास करना पड़ेगा, और फिर प्रज्ञा का, वैसे प्रज्ञा शील और समाधि का जो है फल है, लेकिन प्रज्ञा का अभ्यास भी होता है जिसको आजकल विपश्यना साधना कहते हैं। विपश्यना साधना जो है, फिर उसके साधना के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो साधना करेंगे उसमें जो है हम लोग समथ और विपश्यना कहेंगे, और समथ और विपश्यना में जो है उसके विधि अलग अलग है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सांस के सहारे, सांस आलम्बन जो है सांस रहेगा, सांस के सहारे हम लोग पहले समथ का अभ्यास किस प्रकार करना है उसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें ऐसा है कि जो हम लोग जिसको जिने लखथुंग समथ जिने और लखथुंग विपश्यना, तो शमत और विपश्यना जिसको हम लोग कहते हैं शम था, शम चित्त की शांत अवस्था, उसको शम कह रहे हैं, था उसमें स्थापित हो जाना, मन का शांत अवस्था में स्थापित हो जाना ही शमत कहलाता है। तो ये जो है विपश्यना का पूर्व अभ्यास है, आपको विपश्यना करना है, विपश्यना साधना करना है, मतलब चित्त को संपूर्ण रूप से शांत करना है, या चित्त को इतना शांत कर लेना है कि जो चित आपके अंदर कभी भी जो है राग द्वेष मोह अहंकार आदि जितने भी दुर्गुण हैं उसको अपने में समेट नहीं सकता, इस प्रकार के चित को पैदा करने के लिए निश्चित रूप से आपको जो है पहले शमथ में ही उतरना पड़ेगा, उसको हम लोग शमथ कहते हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर सांस के सहारे कहेंगे वो साधना करेंगे, तो इसलिए इसको आनापान भी कहा जाता है, आनापान साधना है ना, शमथ भी कहेंगे आनापान, शमथ इसलिए कि क्योंकि हम लोग जो है मन को एक शांत अवस्था में स्थापित करने का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए शमत, और आनापान इसलिए कि क्योंकि उसका आलम्बन जो हम अभी सिखाएंगे वो आना और जाना, सांस का आना और जाना, और सांस जो है हमारे शरीर से एक तो मुंह से आता है, एक जो है हमारे नाक से आता है, हालांकि हम लोगों के संपूर्ण शरीर के जितने भी रोए हैं सब जगह से वायु तो आता ही है, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोगों के प्राण वायु के साथ जुड़ा हुआ है वो या तो मुख का सांस या फिर नाक का सांस।
तो यहाँ पर हम लोगों को नाक से आते जाते सांस पर ही मन को एकाग्र करना है, ठीक है ना। वो मुंह वाला नहीं, मुंह हम लोग तिब्बती में एक परंपरा होती है जोक्षेन, जोक्षेन परंपरा में मुंह से भी सांस को लेकर अभ्यास किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्योंकि जोक्षेन परंपरा के अनुसार नहीं है और हम लोग जो विपश्यना साधना के अनुसार कर रहे हैं, तो विपश्यना साधना में नाक से आते जाते सांस पर ही मन को एकाग्र करके हम लोगों को आनापान साधना भी कह सकते हैं, इसको जो है फिर शमत साधना भी कह सकते हैं, फिर इसको जो है एक इसका मुख्य नाम है एकाग्रचित साधना, एकाग्रचित। ये हम लोग तिब्बत में जो कर्जु संप्रदाय वाले हैं वो लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सिमसे चिकपा कर्जुद वाले जो साधना करते हैं उसमें आनापान या शमत साधना को चेचिकपा बोलते हैं, चेचिक ट्वेडल रोचिक गुम्मे, चेचिक बोल के जो है, चेचिक है वही आनापान ही है, चेचिक जो है वो शमत ही है, लेकिन उसका नाम जैसे हमने कहा कि आप चाहे इसको शमत बोलें, चाहे इसको चेचिक या एकाग्रचित बोलें, या फिर इसको जो है आपका आनापान बोलें, है वही साधना है, एक ही है। तो हम लोग यहाँ पर आनापान साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें जो है जैसे सबसे पहले तो साधना में आपको जिस प्रकार बैठना है तो बैठना आना चाहिए, तो बैठने में जैसे सब लोग बैठते हैं पालथी मारकर, यही है। हालांकि हम लोगों के तिब्बत में फिर जैसे महामुद्रा साधना वगैरह होता है उसमें जो है फिर विशेष 7 प्रकार के आसन होते हैं, उसमें बैठना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को केवल पालथी मारकर बैठना जरूरी है, और हो सके तो आप अर्ध पद्मासन भी बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन में बायां जो है दाएं जांघ के ऊपर रखा जाएगा, अगर बैठ सकते हैं तो, नहीं तो जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ठीक है। अगर कोई किसी को बैठने में सुविधा है तो ये आपको इसको अर्ध पद्मासन, ठीक है ना, बायां दाएं जांघ के ऊपर रखेंगे, तो इससे ये होगा कि धीरे धीरे पूरे पद्मासन में आप लोग बैठने का जो है अभ्यास करेंगे, अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि अगर आपको शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना है तो कम से कम जो है वज्रासन जिसको कहते हैं पद्मासन, उसमें बैठने का आना चाहिए ना, धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। हो सके तो अर्ध पद्मासन, नहीं तो जैसे आप लोग बैठे हैं ठीक है, लेकिन आपका जो रीढ़ की हड्डी वो सीधा रखना ज़रूरी है। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाना है, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है, तो जैसे जैसे यहाँ से बोला जाता है वैसे ही आपको करते जाना है, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। हाथ जो है हो सके तो आपका जो है इसको कहते हैं यमशगी है क्या, समाधि पोस्चर है ना, तो ये आपका बायां नीचे रहेगा दायां ऊपर, और ये दोनों अंगूठे को इस प्रकार मिलाएंगे, ठीक है ना, और इसको आपके नाभि के 4 इंच नीचे, 4 इंच लगभग इतना नीचे, तो लगभग पाँव पर आता है, ठीक है ना, ऐसा। अगर किसी को इसमें परेशानी होती है तो ऐसा भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सके तो ये जो आपका समाधि पोस्चर है उसमें बैठने की कोशिश करनी चाहिए, तो ऐसा बैठेंगे। और क्योंकि हम लोगों को देखना है सांस, सांस देखने के लिए आँख की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग साधना शुरू करेंगे बाद में 10-15 मिनट की हम लोग साधना करेंगे तो उसमें जो है आप आँख बंद करेंगे उस समय, और जो लोग चश्मा लगाए हैं चश्मा निकालेंगे, क्योंकि आवश्यकता है नहीं बाद में, जब हम लोग शुरू करेंगे बाद में अभी भी निकाल के बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा आँख के लिए आसानी होती है। फिर आँख बंद करना है, क्योंकि हम लोग जिस सांस को देखने का प्रयास करेंगे तो वो क्या है, सांस का कोई आकार नहीं है, सांस का कोई रंग नहीं है, है ना, और उसका जो है कोई रूप नहीं है, रूप रंग और आकृति सांस का नहीं है। रूप रंग और आकृति को हम लोग आँख से देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को सांस को अनुभव से जानना है। सांस अंदर आया तो अंदर आया, बाहर गया तो बाहर गया, वो हम लोग रूप रंग आकृति नहीं होने से आँख से नहीं देखेंगे ना, केवल अनुभव से जानेंगे, तो आपको आँख भी आप जो है बंद करेंगे, ठीक है ना। और मुंह भी बंद करना है, क्योंकि सांस जो है नाक से लेना है मुंह से नहीं, तो इसलिए साधना के समय मुंह भी बंद रहेगा। तो निश्चित रूप से जब आपका मुंह बंद है तो नाक से सांस आएगी जाएगी, आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस। दाएं मान लो कोई नासिका मान लो कोई आपका वो हो जाए, थोड़ा सा बंद हो जाए, तो चाहे वो दाएं से आ रहा है तो आपको जानना है कि दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है तो बाएं से आ रहा है जानना है, और दोनों से आ रहा है तो दोनों से आ रहा है जानना है, इसके लिए आपको वो नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे आ रहा है वैसे, और सांस जो है कभी भी एक जैसा नहीं आता,
सांस हम लोगों के चित के अंदर जितने भी जो आपके मन में नाना प्रकार के विकार होते रहते हैं उसके साथ सांस का जुड़ाव होता है, और सांस के जुड़ने से आपका सांस में परिवर्तन निश्चित रूप से, अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे होगा। तो आपको सांस छोटा है तो आपको जानना है कि सांस छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है जानना है, मान लो सांस गर्म हो तो गर्म में जानना है, ठंडा है तो ठंडा हो जानना है, वो निश्चित रूप से वो आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो जो भी है उसको आपको कल्पना नहीं करना है, सांस पर कल्पना नहीं करना है, विपश्यना में कल्पना करना नहीं सिखाते हम लोगों के। बौद्ध धर्म में भी अनेकों प्रकार के साधनाएं हैं, जैसे हम इसको जनरल कहना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि जनरल कहने से बहुत हम लोगों को फायदा नहीं होगा, तो हम केवल जो है विपश्यना साधना पर ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है ना। वैसे जो है क्योंकि तिब्बत में महायान है, तो महायान में इतनी साधनाएं हैं कि हम उसको जो है जनरली तो बोल सकते हैं, लेकिन उसको सिखाने के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम लोग यहाँ पर केवल विपश्यना साधना, उसमें भी जो है आनापान साधना मुख्य रूप से, क्योंकि हम लोग जो विपश्यना साधना में उतरने के लिए जो पहला जो हम लोगों का प्रयत्न, जिसको हम लोग मुंडो बोलते हैं, मतलब कि हम लोग पूर्वयोग के दृष्टि से जो है, पूर्वयोग माने जो हम लोग जो साधना में उतरना है उसका जो पूर्व आपका जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग उसका वो कर रहे हैं, मतलब साधना को करने के लिए हम लोग पूर्व में तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के रूप में ये आनापान साधना है। तो इसके लिए हम लोग जो है ज्यादा इसी पर हम लोग वो करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका साधना के समय रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, पांव जो है अर्ध पद्मासन या जैसा भी है, और हाथ जो है हो सके तो आपका समाधि पोस्चर में रहेगा, और आंख बंद रहेगा। अब आप लोग करते जाएंगे जैसे बता रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि कान से ही सुनना है, हम बोलते रहेंगे तो जो भी बोलेंगे तो आप लोग जो है उसको करते रहिए। और फिर जो है हमारे आंग आंग बंद करिए, जो जो अब आप लोग बैठे हैं तो आंग बंद है ना, क्योंकि करना आपको देखना यह है कि सांस जो है नाक से आ रही है जा रही है। इसमें जो है हम लोग जिसको कहते हैं कुशल चित एकाग्रता, हम लोग जब शमत साधना करते हैं तो किसी एक आलंबन पर मन को टिकाने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर आपको आलंबन दिया गया केवल सांस, जो नाक से आ रही है जा रही है सांस, उसी पर मन को एकाग्र करना है। तो उसमें क्या करना है कि आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस। जैसे सांस आ रही है उसको आपको जान लेना चाहिए कि सांस आ रही है, और जा रही है तो समझ लेना चाहिए कि जा रही है। और शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है, हो सके तो शरीर को एकदम जो है हम लोग इसको ऐसा सोचे कि आज हमें स्टेचू हो गए हैं, है ना। जैसे हम लोगों का जो मूर्ति होती है तो मूर्ति कभी हिलता नहीं ना, आप यहाँ पर हम लोग साधना के समय भी यही चेष्टा करनी चाहिए कि मैं आज जो है संपूर्ण रूप से बुद्ध हो गया हूँ, है ना, या बुद्ध की मूर्ति हो गया हूँ। तो हम लोग शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, और फिर जो है केवल सांस पर ही आपका मन टिकाए रखेंगे। सांस आया तो आया, गया तो गया, बस सांस पर ही मन को टिका कर आपको ये देखना है कि आप जो है कितने एकाग्र हो पा रहे हैं। और शुरू में ये हो सकता है कि आपका जो है सांस जो है आना जाना अभी नए हैं, तो कभी कभी जो है किसी को सांस का आना जाना नहीं भी मालूम हो सकता है, तो उसके लिए प्रयत्न पूर्वक सांस, थोड़ा सा तेज सांस, जैसे आप तेज सांस लेंगे ऐसा 1-2-3 मिनट तक आप तेज सांस लेकर, फिर धीरे धीरे जो है आपको जो है स्वाभाविक सांस पर आना है। तो ये आपको जो है करते रहना है, और शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, सांस आया तो आया, गया तो गया, इसी पर जो है हम मन एकाग्र करेंगे। और इसको हम लोग एक उदाहरण से समझाते हैं, जैसे सांस का आना जाना जो है हम लोगों को कहाँ देखना है। जैसा हम लोगों के तिब्बत में कई परंपराओं में जैसे महामुद्रा साधना आदि है, तो उसमें सांस की लंबाई पर भी ध्यान देते हैं, सांस कितने लंबे आ रहा है और कितना अंदर जा रहा है, अंदर कहाँ तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं करना है, हम लोगों को केवल नाक के दरवाजे से सांस अंदर आया तो अंदर आया और बाहर गया तो बाहर गया, इतना ही जानना है। मतलब कि जैसे एक चौकीदार है, चौकीदार जो है दरवाजे से अंदर कोई आता है तो उसको पहचान लेता है,
और बाहर गया तो उसको पहचान लेता है, वो जो है बाहर कहाँ जा रहा है उसको ध्यान नहीं देता, और ऐसे ही जो है अंदर कहाँ गया ये भी ध्यान नहीं देता, केवल दरवाजे से अंदर आया तो इस प्रकार का व्यक्ति अंदर आया और इस प्रकार के व्यक्ति बाहर गया, उसका केवल इतना ही ड्यूटी है। तो यहाँ पर हम लोग भी जो है सांस को देखेंगे तो केवल जो है सांस छोटा है बड़ा है लंबा है, और या फिर सांस जो है दाएं नासिका से आ रही है बाएं नासिका से आ रही है, हो सकता है दोनों से आ रही हो, तो केवल इसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इतना ही आपको जो है वो चेष्टा करनी है। और शरीर पर जो है नाना प्रकार के जो संवेदनाएं हैं वो भी जो है होती रहती हैं, शरीर शरीर में है आपका जो है संवेदना, क्योंकि जब तक हम लोग जीवित हैं तो संवेदना हमारे में होती रहती हैं, संवेदना के बल पर ही हम लोग कहते हैं कि हम जीवित हैं। तो अगर कोई भी संवेदना आ रही है तो संवेदना के प्रति केवल जानना है, उसके प्रति आपको जो है क्या कहते हैं, संवेदना को जैसे को आपको खुजली होगी तो खुजलाना नहीं है, है ना। और मान लो कहीं दर्द हो रहा है तो शरीर को आराम, मतलब पाँव में कहीं दर्द हो रहा है तो पाँव को उठाना नहीं है, ऐसे ही आपका जो है कमर में दर्द हो रहा है तो कमर को जो है आराम नहीं देना है, है ना, मतलब कि कर्म को आपने ढीला छोड़ दिया या उसको हटाने की चेष्टा करना, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें ऐसा है कि जो शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही है उसके प्रति आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव में रहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं उपेक्षा भाव, या फिर उसको समता भाव भी बोलते हैं, समता भाव में रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग जो अभी नए आए हैं तो आप लोग आंख बंद करना है और पांव जैसे बैठे हैं वैसे ही हैं, तो और फिर केवल जो नाक से आते जाते सांस पर ही मन को एकाग्र करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग जो है अभी आनापान साधना का कोशिश कर रहे हैं, आनापान साधना को सीख रहे हैं, तो हम लोग जो है सांस जो है नाक से आ रही है जा रही है इसी पर मन को एकाग्र करने की चेष्टा करेंगे। तो ये जो है हम लोगों को करते रहना है जितनी देर हो सके, तो ये करना है। तो इसमें यही कि भाई एक तो आपके मन में जो है नाना प्रकार के विचार आएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं विक्षिप्त अवस्था, मतलब कि अभी तक हम लोग एकाग्र बैठना सीखे नहीं हैं और ना ही हम लोग शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना सीखें, तो ये छोड़ा आपको परेशान करेगा। तो उसके लिए ये सोचना है कि हम जो है यहाँ पर केवल 10 या 15 मिनट के लिए हम लोग बैठे हैं, मन को थोड़ा सा आपको इसको वो देना है, क्या कहते हैं उसमें, आपको ढाढ़स देना है, मन को थोड़ा सा सांत्वना देना है कि 2-4-10 मिनट है तो इसके लिए आपको जो है चुप रहना है, शरीर को भी जो है यही कहना है, क्योंकि अगर आप इसको जो है धैर्यपूर्वक आप नहीं बैठेंगे तो हर समय साधना में आपका जो है शरीर जो है बार बार हिलने लगेगा। तो इसलिए बिल्कुल इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी जो हमारे प्राचीन संत महात्मा या जो अर्हत या बुद्ध गुरु हुए हैं उनका भी स्मरण करना चाहिए, तब आप बैठ पाएंगे। जैसे भगवान बुद्ध को ही हम लोग लें तो भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या किया ना, और उनके तपस्या किस किस ढंग से किया वो लोग आप उसको आप लोग जानते ही हैं, बुद्ध के जो उनकी जीवनी है उससे आप समझ सकते हैं। तो पूरे अपने शरीर को सुखा दिया था ना, और जब अंतिम में बुद्ध बनने की प्रक्रिया में थे तो उन्होंने ये मन में अपने मन में दृढ़ता धारण किया था कि भाई हम जब तक बुद्ध नहीं बनेंगे तब तक उठेंगे नहीं, हम शरीर को हिलाएंगे नहीं, चाहे हमारा शरीर यहीं मर भी जाए, इसमें जो है बिल्कुल हमारा एकदम जो है मांस चिपक जाए या जो भी हो जाए, हम बिल्कुल इससे उठेंगे नहीं। इतना देर है तो इतना तो हम लोगों को नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे शरीर को जो है ये सब हम लोगों को करना है। तो हम लोग अभी केवल 10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। 10 मिनट सारा ध्यान जो है नाक पर, नाक से आते जाते सांस पर, आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस,
आंख बिल्कुल नहीं खोलेंगे, जितना हो सके शरीर को पूरी तरह से जो है स्थिर रखेंगे। वो इसलिए कि क्योंकि हम लोगों को मन को स्थिर करना है, मन को स्थिर करने के लिए पहले शरीर की स्थिरता आवश्यक है। कई बार तो हम लोग ये कहते हैं कि शरीर चाहे स्थिर ना भी रहे, मन स्थिर रहे तो अच्छा है, लेकिन ये कठिन है क्योंकि शरीर स्थूल है और मन जो है सूक्ष्म है। जब आप स्थूल शरीर को अपने काबू में नहीं रख सकते तो मन आपके काबू में नहीं आएगा, इसलिए शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। और शरीर में जिस प्रकार के भी संवेदनाएं आती हैं, चाहे वो खुजलाहट हो, आपको खुजलाना नहीं है, कमर दर्द हो, तो उसको जो है सहन करना है और कुछ नहीं करना है। उसको ये मन में सोचिए कि कोई बात नहीं, 10-15 दिन बाद आराम मिल जाएगा। अगर आपका मन बहुत स्थिर है, आप ध्यान करते समय आपका मन जो है केवल सांस पर ही है, तो ये सब जो आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, खुजलाहट हो रहा है या और भी कई चीज़ें हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आप जितना ध्यान आपका पक्का होगा, पूरा ध्यान जो है आप सांस पर रखेंगे, तो आपको ना शरीर में कहीं दर्द होगा, ना कहीं जो है आपको जो खुजलाहट महसूस होगी, तो बिल्कुल नहीं होगा। और यदि होती है तो उसको जो है आप जो तेज सांस है उसके सहारे दूर करने की कोशिश करेंगे, शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। जैसे ही कहीं आपको लगा कि असह्य दर्द है या फिर कहीं खुजलाहट ज़्यादा हो रही है, तो आप सांस को थोड़ा तेज कर दीजिए। सांस को तेज करने से आपका जो दूसरी बाधा है, क्योंकि ध्यान जो है आपका मन जो है सांस पर चले आएगा, सांस के तेज सांस पर चले आएगा, तो वो जो है दूसरी तरफ जो क्रिया हो रही है शरीर में, वो अपने आप जो है आपको महसूस नहीं होगा। Sambh Mangalam.